अजीजी क्या खबर लाए हो आज? नायरिन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 आपके लिए ऐसी ऐसी खबर लेके आता है कि आप चौंक जाएं, आप हैरान हो जाएं, बल्कि आप ये सोच ही पड़ जाएं कि सारी अखबार में पढ़ी है, नहीं मैंने नजर आई खबर। अजीजी वाकई मैंने सुबह सारी अखबार पढ़ी है, सुनाओ जरा वो खबर जो मैंने नहीं पढ़ी। लाजी खबर ये है कि बादशाह चार्ल्स ने एक नायाब नस्ल की सुनहरी बकरी को शाही खिताब से नवाज दिया। वाह! किंग चार्ल्स ने बकरी को खिताब से नवाजने के बाद थपथपाया और उसके हल्के सुनहरी रंग की तारीफ की। वाह! ये क्या खबर है यार? यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये क्या खबर है यार। आप जरा याद करें ना कि जब मलका होती थी इनकी वालदा तो बड़ी बड़ी अच्छी उनके मुतल्लक खबर आया करती थी। हाँ। ओलंपिक्स का इफ्तिताह कर रही है, वर्ल्ड कप ओपनिंग पे पहुंच गई। हाँ। मतलब वड़े वड़ी तकरीबात के हवाले से उनकी खबरें आती थी। चार्ल्स की खबर आ रही है बकरी को थपथपाया या बकरी को शाही खिताब दे दिया। या तो है ना, बकरी को शाही खिताब दिया तो अब उसके बाद वो करने की बजाय बकरी है वो, और बकरी को थपथपाना क्या भाई बादशाह के लिए है? ये कौन सी खबर है? बहुत ईमान से मुझे तरस आता है चाचे चार्ल्स पे। अच्छा, घर बैठा रहता है बेचारा वेला, कोई बड़ी खबर उसके लिए होती नहीं है। बल्कि चाची चार्ल्स जो है हमारी अपनी परजाई, चाची चार्ल्स की बेगम, वो अक्सर कहती रहती है कि घर ही बैठे रहिंदी हो, कितने बाहर टुरे फिर भी करो। चलो डियाना ने तो तुम छाड़ी दिता ही, तुम सारे दोस्त भी छड़ गए ने, सारा दिन घर बह के नेल कटना नौ ही कटते रहिंदी, वालों ने मेहंदी ला के फिर छेड़िया ग्राउंड च, बाहर जा करो कि फिर पता लगे तुम बादशाह हो गए। वो भी बेचारा बाहर जाने वास्ते और बीवी ते रो पाने वास्ते दोस्तों नु खुद फोन कर करके कहंदा है यार मेरे को अपनी दुकान का इफ्तिताह ही करा लव। अगो दोस्त कहंदा है कि भाई जी तीन आरी तुम साड़ी दुकान का इफ्तिताह कर चुके हो, हुण की करिए तुहाडा। फिर दूसरे दोस्त ने फोन कर दिया यार करा लो दुकान का इफ्तिताह, मैं फीता कोलों लै आवांगा। वो आके से कहता भाई जी तुहाडे इफ्तिताह के चक्कर च असीं चार कारोबार बदल बैठे हाँ, सानू कितने टिक भी जान दिओ। फिर बेचारा आगे से कहता यार किसी दुकान के अंदर किसी रैक का इफ्तिताह ही करा लो। स्कूलों में बेचारा फोन कर करके कहता होगा कि भाई जी ऐत की नतीजे ते मम्मा ने खुसूसी मैनू बुलाना जे, नहीं तो फिर मैं बादुआवा देनी है तो ताडे स्कूल दा रिजल्ट नहीं जे अच्छा आना। वो आगे से कहते हैं जी बीना होया रिजल्ट निकल गए है, हुण अगले साल रिजल्ट आना है। अच्छा कोई स्कूल दा फर्नीचर नवा मंगाया होवे या कोई टाट शाट नवे मंगाए होण या मेज कुर्सी ओदा ही इफ्तिताह करा लव। और कुछ नहीं तो कोई नवी टली लवा के ओदा पहली वारी टन टन नहीं मेरे कोलों करा लव। ओ यार मुल्क का बादशाह है वो, कैसी बातें कर रहे हो फजूल? यार यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुल्क का बादशाह और क्या बातें कर रहा है फजूल। बकरी को शाही खिताब दे दिया, बिल्ली को मेडल पहना दिया, कबूतरों को शाही टुकड़े खिला दिए। यार को काम कर करने वाला तू बादशाह है मेरे अपरावा, होश फाड़।
यार वो बादशाह है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी है करे, तुम्हें क्या तकलीफ है। ठीक है फिर इंग्लैंड वाले कहन लग पड़ेंगे यार ये भी बादशाह ये जो मर्जी कर लेंगे। ईमान से इससे अच्छा तो हमारा सदर फजल अलाही चौधरी था। वो कौन था सर फजल अलाही चौधरी? वो तुम्हारे पैदा होने से पहले एक पाकिस्तान के सदर हुए हैं फजल अलाही चौधरी। कुछ नहीं सन कर दे कभी कबड्डी के मैच च मेहमाने खसूसी गए होंगे कभी गुल्ली डंडे का इफ्तिताह करन गए कभी बेचारे फुटबाल च नवी हवा भरवाइए तो उसे मठियाई खान गए होंगे सर। एक बार महल च बच्चिया की बारह टैडी का भी इफ्तिताह उन्होंने किया है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਸਕੀਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਜਿਨਕੋ ਕੋਈ ਲਿਫਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਤਾ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਵੋ ਕਿਸੀ ਕੀ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਫਟ ਲੈ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਸਦਰ ਥੇ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨਕੋ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਉਨਕੇ ਹੀ ਮਮਨੂਨ ਰਹੇ ਹੈ। सर अभी तो आपने वो खबर नहीं सुनी है कि किंग चार्ल्स जो है वो फ्रांस गए हैं और फ्रांस के जो सदर है उन्होंने उनको वहां पर शाहिया दिया डिनर दिया है और डिनर पे खर्चा आया 4 लाख यूरो और फ्रांस की पार्लियामेंट ने इस बात पर एतराज किया कि इतना खर्चा किया क्यों है। मतलब सही एतराज किया है ना वो 4 लाख यूरो का चार्ल्स के लिए खाना आपने करा दिया है। वो बेचारा कहता है यार ये ना तो पहले 4 लाख दा ही मैं इस गल्लों 4 लाख लाया ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਯੂਰੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਵਾਤੀ ਹੋ। ਬੀਚ ਮੈਂ ਸੇ ਕਈ ਜੋ ਫਰਾਂਸ ਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇ ਖੁਦ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਹੀ ਸਾਲਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਐਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲਵੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਕੋ ਹਾਥ ਮਾਰੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਪਰ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਜਬ ਸੇ ਚਾਰਲਸ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਛਪੀ ਹੈ ਨਾ ਲੋਟ ਪੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੇ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਵਕਤ ਨੋਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਕੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨੋਟ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪ ਦਿਓ ਨਾ 100 ਵਾਲਾ ਨੋਟ ਉੱਥੇ ਨਾ 1000 ਵਾਲਾ ਨਾ 500 ਵਾਲਾ ਨਾ 5000 ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ 50 ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿਚਾਰਾ 50-50 ਚ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ ਬਾਈ ਜਾਨ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਗੋਗਾ ਜੀ ਕੀ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਈ ਆਪਕੇ 50 ਰੁਪਏ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ 50 ਪਾਉਂਡ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਭਗ ਤਕਰੀਬਨ 17,500 ਰੁਪਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣਤੇ ਹੈ। ਆਹੋ ਤੇ ਯਾਰ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। 17,500 ਰੁਪਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਚਾਰਲਸ ਸਾਹਿਬ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ। ਓ ਚਾਰਲਸ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਨੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਮੂੰਹ ਖਿੱਚੇ ਸੂਟੇ ਵਰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਵੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋਂ ਕਾ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੋ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਨਕੋ ਆਵਾਮ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਇਤਨੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਰ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਅਨੀ ਵਾਕਈ ਬਾਤ ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਕੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈ
बाकायदा बरतानिया का जो एक हुस्न है ना जी, जी वो बादशाहत में नजर आता है। और बादशाह से वाकई वो बहुत मोहब्बत करते हैं। मलका को किस तरह वो देखते थे और किस तरह उसके दीदार के लिए आते थे, और जब मलका बाहर आती थी तो किस तरह चीखो पुकार होती थी, किस तरह नारे लगते थे और किस तरह उसको फ्लाइंग किसें की जाती थी। मगर सुना है कि अब जब चार्ल्स आता है ना बालकोनी में दीदार के लिए, तो औरतें आपस में बातें करती हैं, हा नहीं बादशाह दा मुंह ते मेरे खाला दे मुंडे को घेर गए। नाज़रीनिया लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। डड्डू आपको उधर फलसफा समझा रहे हैं, गड़ां 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 गड़ा। वाकई यार पाकिस्तानी हुकूमत का फलसफा ही यही है, गड़ा 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 गड़ा। अजीजी फरीद साहब ने हमसे गड़ा गड़ा अच्छा नहीं किया।